कैसे हो सब लोग। और आज हम फिर एक बार खेलेंगे पोकेमोन एक्सवाई का हार्डकोर नज़लॉग। पिछले एपिसोड में हमें बताया गया था हमें यहाँ पर आना है लाइसेंडर कैफे में, तो चलिए यहाँ पर जाकर देखते हैं क्या हो रहा है। भाई यहाँ पर कोई है तो नहीं, तो इस बंदे से बात करके देखता हूँ भाई कुछ हो रहा है क्या। ओके तो यार ये बैटरी करने लग गया भाई, मैंने इसका क्या मूड ख़राब कर दिया क्या। ओके आई गेस इन ग्रंट से लड़कर ही हमको कोई जवाब मिल जाएगा, सो दैट इज़ गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। मे बी आज के दिन हम एक बहुत बड़ा पजल सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि इन्होंने लाइसेंडर कैफे में बुलाया है। और इससे पहले के एपिसोड में लाइसेंडर बड़ी बड़ी बातें कर रहा था दुनिया को तबाह करने की एक्सेट्रा। सो आई गेस हम इनके हाइड आउट पर जा सकते हैं आज के एपिसोड में। और हाइड आउट्स में तुम जानती हो अक्सर क्या होता है, बहुत सारे ऐसे पजल सॉल्व करो, बहुत सारे लोगों से बैटल करो और बाद में बिग बॉस बैटल होती है। तो आई गेस वही जेनरिक पोकेमोन थिंग्स होने वाली है। और मैंने यहाँ पर ब्लैक हार्ट और कैनन बोल्ट को थंडर बोल्ट सिखा कर रखा है, क्योंकि मुझे लगा कि अभी यू नो सारे ग्रंट्स के साथ बैटल होगी तो टीम फ्लेयर के ग्रंट्स के पास मोस्टली गोल्ड बैट्स या फिर क्रो बैट्स होते हैं, और मेरे पास फ्लाइंग टाइप्स को हराने के लिए कुछ था नहीं, यानी कि रॉक टाइप मूव मेरे पास है नहीं या तो आइस टाइप मूव भी मेरे पास नहीं है। तो मैंने सोचा कि चलो ये लोग दोनों थंडर बोल्ट सीख रहे हैं तो कम से कम इनको थंडर बोल्ट तो मैं सिखा ही सकता हूँ, तो इसी वजह से मैंने इनको थंडर बोल्ट सिखाया। एंड आई गेस दैट कैन कम इन हैंडी, यानी कि अब तक तो मुझे कोई गोल बैट दिखा नहीं, यानी कि पहली बैटल थी, बट आगे चलते चलते यू नो गोल बैट्स एक्सेट्रा कुछ ना कुछ आ ही सकता है। तो ये इससे बात करके देखते हैं। ओके ये भी टीम फ्लेयर की मेंबर है। ओके बट शी लुक्स गुड, यानी कि भाई इतनी अच्छी शक्ल के साथ तुम टीम फ्लेयर की मेंबर क्यों बनी, मेरी बन जाती। छोड़ो यार अभी मैं क्या ही बोलूँ। होते हैं लोगों के अपने अपने ओपिनियंस होते हैं, अपने अपने करते रहते हैं यार लोग। और यहाँ पर ब्लैक हार्ट लेवल 48 का हो चुका है, विच इज़ नाइस, पर यार मुझे ब्रॉली के लेवल को बढ़ाना है। वो बंदा कब गार्चोम बनेगा उसके लिए मैं रुक रहा हूँ, मैं उसको बैटल में यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि ही इज सेवियरली अंडर लेवल्ड, इसलिए मैं उसको बस टीम में रख रहा हूँ ताकि एक्सपीरियंसिस से तो भाई उसको कुछ ना कुछ लेवल मिल जाए। एंड शायद से यही से हमें आगे जाना है, सो लेट्स सी। ओके आई सी समवन ओवर कोई ग्रंटी होगा तो मैं मुझे शायद से कुछ टीम में चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। ब्लैक हार्ट कैन टेक देम ऑल डाउन। ओ शिट ये तो लाइसेंडर था। वेलकम, ये दुनिया एक ब्रेकिंग पॉइंट पर पहुंचने वाली है जहां से वापस निकलना मुश्किल है, सबकी जिंदगी बचाना इम्पॉसिबल है। सिर्फ वही जिनके पास टिकट है वही कल का दिन देख सकते हैं, मुझे बैटल में दिखाओ। ओके, तो ये पूछ रहा है डू यू वॉन्ट टिकट और डू यू वॉन्ट टू सेव समवन लाइव्स। तो मुझे टिकट तो नहीं चाहिए पर मैं ज़िंदगी बचाना प्रेफर करूँगा। ऑल राइट एक मिनट, तो हमें लाइसेंडर कैफे में बुलाया गया था और मुझे लगा यहाँ पर इनका हाइड आउट होगा, लिटरली वो डोर खुला और हाइड आउट का पैसेज हमको दिख गया। तो तुम मुझे कह रहे हो कि लाइसेंडर पहले ही आके खड़ा हो गया, मतलब और कुछ करना ही नहीं है, हो गया हा? इससे पहले जब फायर रेड में यू नो टीम रॉकेट की वो हाइड आउट थी वहाँ पर कम से कम तुमको बैटल करनी पड़ रही थी, सारे ग्रंट्स को हराना पड़ता था, पजल सॉल्व करनी पड़ती थी और एकदम टॉप फ्लोर पर जियोवानी बैठा होता था जहाँ तुम्हारी बैटल होती है उसके साथ। ओ भाई गैरेडोस को, अच्छा वो मैंने थंडरबोल्ट सिखा कर रखा था यार, डैम। ओके मैंने गैरेडोस को एक्सपेक्ट नहीं किया था बिल्कुल भी। ओके भाई वो थंडरबोल्ट काम का आ गया। दैट थंडरबोल्ट सेव्ड मी भाई, अगर गैरेडोस मैं थंडरबोल्ट नहीं सिखाता तो भाई प्रॉब्लम में आ जाते, क्योंकि वाटर टाइप मूव्स के अगेंस्ट हमारे दो पोकेमॉन शायद से सुपर इफेक्टिव डैमेज खाते हैं, एंड दो नहीं बल्कि तीन, गार्चोम भी उसमें आ गया। दैट वॉज स्केरी, पर कम से कम अच्छा हुआ थंडरबोल्ट से वो मर गया और उसका एक्वा टेल मिस हो गया, दैट वॉज भाई मिराकल, वरना बहुत ज़ोरदार डैमेज हो सकती थी या तो हम मर भी सकते थे, आई डोंट नो, बट थैंकफुली वी अवॉइडेड इट। और मैं ये कह रहा हूँ कि लाइसेंडर के साथ अब भी अगर मुकाबला हो रहा है तो बाकी कुछ करना है कि नहीं हमको, यानी कि बॉस बैटल नॉर्मली फाइनल लास्ट में होता है ना, या तो पहले ये बंदा चल कर आ गया कि चल बैटल कर मेरे साथ तो हो गया क्या यहाँ पर, मतलब 4 मिनट की वीडियो डाल दी है मुझे, अब तक तो 4 मिनट ही हो चुके हैं, मे बी 6-7 मिनट की वीडियो डाल दी है मुझे, क्योंकि मुझे लगा मैं इस इंटेंशन के साथ आया था कि आज भाई पूरा हाइड आउट अंडर कवर जाकर सबको हराना एक्सेट्रा एक्सेट्रा, पर या तो लाइसेंडर सामने ही आ गया, मैं पोकेमॉन चेंज कर देता हूँ क्योंकि मुझे डर लग रहा है कि ये मर्क्रो हमसे तेज़ है और वो कोई ना कोई मूव कर सकता है, तो भाई लुकारियो को बेचता हूँ। And it's not a smart move क्योंकि Murkrow flying type भी है और इसने foul play, oh damn यार not very effective दिखा कर भी बहुत damage किया,
तो क्या ऑरा स्फीयर के साथ इसको खत्म करते हैं। ऑल राइट, हियर वी गो, मेगा इवॉल्व हो जा लुकारियो मेरे दोस्त। एंड दिस डूड हैज बीन अमेजिंग, यानी कि मैंने लुकारियो को आज तक ज्यादा यूज किया नहीं है यार इस गेम में, सो दैट्स बैड। और यहाँ पर ये मर गया, दैट्स नाइस, ऑसम, मर गया, खत्म। ओके, हमने शायद से सारे पोकेमॉन्स को हरा दिया है। यहाँ पर सिल्वर लेवल 46 का हो चुका है। ओके ओके, लाइसैंडर फाइनली हार गया। ओके तो मेरे ख्याल से हमने सॉल्व कर दिया पूरा मिस्ट्री। तुम्हारी कन्विक्शंस और तुम्हारी पोकेमॉन मुझे प्लीज करते हैं, क्या तुम मुझे रोकने आए हो? पर मैं तुम्हें कहता हूँ रुको, मैंने दुनिया को और इस यहाँ के लोगों को अपने प्रॉफिट से बचाने की कोशिश की जो मुझे लाभ से मिलती थी, पर मेरे सारे एफर्ट्स की कुछ वैल्यू नहीं रही। ये दुनिया काफ़ी बड़ी है और काफ़ी बेवकूफ़ों से भरी है, तो मैं अकेले काम नहीं कर सकता, इसीलिए मैंने कुछ लोगों को बचाने का काम लिया है, पर इसका ये मतलब नहीं मैं बाकियों को बचाऊंगा। ओके, मुझे रोक सको तो रोको, पर मेरे अल्टीमेट वेपन का क्या करोगे? इसका ये मतलब है मैं पोकेमॉन बैटल्स और सबके साथ इस दुनिया को बर्बाद करूंगा। हो, और ये एलिवेटर बंद है, तुम्हें सारे फ्लेयर्स के ग्रंट्स को हराना होगा। ओके आई गॉट इट, यानी कि हाँ, मुझे यहाँ पर लगा कि मैंने यू नो मिस्ट्री सॉल्व कर दी, मैंने भाई बॉस को हरा दिया, पर दैट्स नॉट इट। अभी वो कह रहा है कि यहाँ पर एक अल्टीमेट वेपन छुपा है, हमें उसको बचाना, उसको रोकना है, और यहाँ पर लिफ्ट बंद है और हमें यू नो इनसे लड़ना होगा। अरे यार, ये दुख खत्म नहीं होता यार, मुझे लगा ख़त्म हो गया, बट नहीं, अभी तो शुरू हो गया। अभी तो भाई, अब भी मुझे लग रहा है कि बहुत बहुत लंबा चलने वाला है ये गेम भाई साहब। तो भाई आज अगर तुम्हें मेरी ऐसे ही बातें सुननी हैं तो तैयार हो जाओ, क्योंकि आज हम शायद से आधा घंटा का एक पॉडकास्ट ही करने ही वाले हैं, क्योंकि अब तो भाई सिर्फ एक्सप्लोर करना है, यहाँ वहाँ जाकर ऐसे ही ग्रंट से लड़ना है, एंड इसी बीच में अपनी बातें शुरू कर देता हूँ, जिसकी अगर तुमको सुननी है तो सुनो, वरना नहीं सुननी है तो मत सुनो, आई डोंट केयर, क्योंकि ये पोकेमॉन से कम और ऐसे ही मैं फालतू बातें करने ही वाला हूँ अभी। तो भाई स्कारलेट एंड वॉयलेट के लिए मैं एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, यानी कि आज से कुछ 4 दिन बाद ही वो ड्रॉप हो जाएगी। और अभी मैं जस्ट जिम से आया हूँ, जिम से आकर मैंने खाना खा लिया, थोड़ा यू नो फ्रेश अप हो गया, एंड मैं गेम खेल रहा हूँ। और मेरा यही आज का गोल है कि आज 14th of November है, तो आज यानी कि अभी ये 5 बजे मैं ये वाली गेम प्ले रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आज कम से कम मुझे 3-4 गेम प्लेज रिकॉर्ड करनी है, और आने वाले कुछ दिनों में तुमको भाई बैक टू बैक वीडियोज़ देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि मुझे कैसे भी करके 16th या 17th तक तो कम यू नो पोकेमॉन XY का नज़लॉग ख़त्म करना है, क्योंकि 18th तक मैं उसको होल्ड नहीं कर सकता, क्योंकि 18th को स्कारलेट एंड वॉयलेट एकदम फटाफट शुरू कर देना है। तो हाँ भाई, इस गेम को निपटाना है कैसे भी करके, तो आज का प्लान यही है, बाकी सारी चीज़ों को ऐसे बंद कर दिया और आज सिर्फ हम पोकेमॉन खेलने वाले हैं। सो या आई एम गोइंग टू बी एग्जॉस्टेड, यानी कि मेरी तो आज बैंड बजने वाली है, क्योंकि एडिटिंग एक्सेट्रा करने में भाई बहुत टाइम लग जाता है, तो इसी वजह से हमने 5 बजे शुरू किया है, तो कम से कम रात के 10-11 बजे तक तो 4 वीडियोज़ अपलोड हो जाएगी, मतलब 4 वीडियोज़ का काम तो मैं निपटा ही सकता हूँ। हाँ, बट इट्स गोइंग टू टेक अ वाइल, यानी कि एक एक वीडियो समझो आधे घंटे के होते हैं, ठीक है, तो उसको एक्सपोर्ट करने में और उसकी थंबनेल्स एक्सेट्रा सब सेट करने में और इसको अपलोड कर तक कम से कम 1-2 घंटा तो जाता ही है, तो ऐसे 3 वीडियोज़ अगर मैं बनाऊँ तो भाई 5, 6, 7, 8, 9, 10 हाँ हो जाएगा, आई गेस हो जाएगा आज का दिन, तो प्रोबेबली कल तक हम लीग तक पहुंच जाएंगे, अगर मैं डेडिकेटेडली ऐसे वीडियोस बनाते रहा तो। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट लेट्स सी क्या होता है। ओके तो भाई मैं क्या ही बताऊँ, कहाँ से शुरू करूँ। हाँ, तो आज मैं एक्चुअली मैंने सोचा कि आज चलो, मैंने कॉलेज से छुट्टी ले रखी थी, यानी कि मुझे जाना नहीं था, 14th of November था यार, चिल्ड्रंस डे, मैं चिल्ड्रन तो नहीं हूँ, पर मैंने सोचा कि चलो यार, मैं भी बच्चा बन के घर पर बैठ जाता हूँ, तो मैंने सोचा कि सुबह को यू नो सुबह से चालू करूँगा, गेम प्लेस बनाऊँगा, बट सुबह को मैं उठा लेट और उसके बाद जिम का टाइम हो गया था, तो दोस्तों ने कॉल किया, मैंने बोला मैं आता हूँ, फिर हम जिम गए, फिर वहाँ पर 2 घंटे ऐसे ही हो गए, फिर आकर मैंने खाना बिना खा लिया, एंड अब भी यू नो थोड़ा बैठ रहा हूँ मैं ये वीडियो बनाने के लिए, तो हाँ मैं थोड़ा बहुत थका हुआ हूँ, तो बट आज थकान को हम दूर करेंगे, आज कुछ बहाना नहीं चलेगा, आज बस हम पोकेमॉन की गेम खेलकर XY की हार्डकोर नज़लों को फाइनली ख़त्म करेंगे भाई। और इसके पास भी एलिवेटर की नहीं थी, मुझे लगा इस बंदी के पास तो होगा एलिवेटर की, बट इट लुक्स लाइक इसके पास भी नहीं है, बट
देखते हैं यार क्या होता है। और हार्डकोर नज़लॉक का यही रूल है, अगर तुम्हारा पोकेमोन मर गया तो वो मर गया, तुम उसको कभी यूज नहीं कर सकते। एंड दिस इज आवर बेस्ट टीम, यानी कि ऐसा नहीं है यहाँ पर अगर कोई समझो कैनन बोल्ट या फिर सिल्वर मर गया तो हम उसको दूसरे पोकेमोन से रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि मैंने नज़लॉक होते हुए भी ज़्यादा पोकेमोन्स पकड़े नहीं है। और पोकेमोन के रूप में हमारा लक नज़लॉक में काफ़ी बुरा निकला है, हमारे पास पीसी में 6-7 फ्लाइंग टाइप पोकेमोन्स ऐसे ही पड़े। मैं क्या करूँ फ्लाइंग टाइप्स का, मुझे समझ में नहीं आ रहा यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो ये हमारी बेस्ट टीम है जो हमने अब तक असेंबल कर रखी है, तो यहाँ पर अगर कोई मर गया तो दैट वुड बी रियली बैड। तो मैं नहीं चाहता कि कोई मर जाए, और ग्रंट्स के साथ तो मुझे लगता नहीं कोई मरेगा, बट बोल नहीं सकते यार, कभी कभी ये लोग टैग टीम में आ सकते हैं या फिर कोई ऐसा पोकेमॉन निकला इनके पास जो एक्सप्लोजन एक्सेट्रा कर सकता है, तो भाई बहुत रिस्क है यहाँ पर, एक्चुअली बहुत रिस्क है। तो लेट्स सी। और ये स्वालॉट बहुत इरिटेटिंग है यार, एक तो ये मरता भी नहीं है और डैमेज देता भी नहीं है, ऊपर से यू नो स्पेशल डिफेंस बढ़ाते रहता है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो आई जस्ट हेट दिस पोकेमॉन, बट कोई बात नहीं, इसको हराना तो पड़ेगा यार। अगर ब्लैक हार्ट के पास अर्थक्वेक होता ना तो अभी बहुत मज़ा आ जाता, तो दैट वुड हैव बीन सो कूल यार, मतलब काफ़ी काम यहाँ पर बच जाता। बट ओके, लाइफ पार्ट को तो एक ही मूव में मार सकते हैं अपन। ओके हियर वी गो। ओके, मरा नहीं सरप्राइजिंगली, पर अगर तुमने नोटिस किया है कि नहीं, पर कभी कभी जो तुम मूव्स यूज़ करते हो ना, तो ऐसा सबको लगता है कि तुम मूव्स अगर यूज़ करते हो तो सारे मूव्स की जो म्यूज़िक होती है ना, बैकग्राउंड म्यूज़िक, वो डुश डुश करके वो एक ही होती है। पर मैंने जब नोटिस किया है, अगर तुम्हारा मूव एकदम ही स्ट्रांगली सामने वाले को लगता है ना, तो वो मूव का इम्पैक्ट तुम्हें फील होता है, वो डुश डुश ज़्यादा हो जाता है। बट अगर तुम्हारे मूव में इम्पैक्ट नहीं है या फिर सामने वाले को वो नॉट वेरी इफेक्टिव है, तो वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं लगता, यानी कि ऐसा ही साउंड करता है। मैंने नोटिस किया, यानी कि मैं भाई गेम्स बहुत खेल रहा हूँ पोकेमॉन की, तो मैं वो चीज़ थोड़ी थोड़ी नोटिस कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से तुम लोगों ने पहले ही नोटिस कर रही होगी, क्योंकि भाई तुम लोग शायद से तुमने पोकेमॉन्स की ज़्यादा गेम खेल रखी होगी, पर मैं यहाँ पर नूब की तरह नई नई बातों को, पुरानी बातों को ऐसे डिस्कवर कर रहा हूँ जैसे कि अरे भाई मैंने डिस्कवर कर दिया। ओके कोई बात नहीं है। बट यार मेरी ये ख़राब आदत है यार, अभी जो लेटेस्ट गेम आती है ना पोकेमॉन्स की, मैं भाई कभी भी एक गेम को बराबर टाइम पर कंप्लीट नहीं करता, यानी कि अगर पोकेमॉन की कोई लेटेस्ट गेम आती है तो मैं उसको एकदम ही जल्दी ख़त्म कर देता हूँ, और बाद में ऐसे बैठ जाता हूँ यार अब क्या करूँ, पूरा तो मैंने निपटा दिया। और जब पोकेमॉन की मैं पुरानी गेम्स खेल रहा हूँ तो एकदम ही ज़्यादा टाइम लगा देता हूँ खेलने के लिए, तो ऐसा लगता है जो लोग देख रहे हैं उनका भी इंटरेस्ट चला जाता है कि यार ये वीडियो डाल रहा ही नहीं है, 3 महीने से एक एक गेम प्ले अटका कर रखी है, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो पता नहीं क्या हो रहा है, कभी भी एक गेम प्ले को मैंने बराबर टाइम से प्रॉपर तरीके से ख़त्म नहीं किया है, चाहे वो फायर रेड हो या फिर फ्लोरा स्काई हो या फिर यू नो कौन सी ओमेगा रूबी हो या फिर ये खुद XY हो, कभी भी एक गेम प्रॉपर टाइमिंग पर ख़त्म नहीं हुई है, डिले तो हमेशा आए हैं, चाहे वो 4 महीने की हो। मुझे याद है फ्लोरा स्काई के टाइम हमने शायद से 9 महीने का ब्रेक लिया था, भाई 9 महीने से मैंने इस चैनल पर वीडियो नहीं डाली, एंड फिर भी कुछ लोग यहाँ पर रुके थे कि भाई वीडियो कब डालेगा, एंड जब मैंने वीडियो डाली फाइनली, और मैंने इस चैनल के लिंक्स को दूसरे चैनल पर भी डाला नहीं था कि मैंने नई वीडियो डाली एक्सेट्रा, तब भी 4-5 कमेंट्स आ गए कि फाइनली आ गया। मैंने बोला भाई साहब अभी भी देख रहे हैं लोग, डैम यार दैट इज़ वेरी वियर्ड। तो तुम में से काफ़ी लोग कह रहे थे कि अपने फर्स्ट चैनल जेन ड्रैगो एक्सपरी गेम प्ले कर देना चाहिए था। मैंने पहले सोचा था जब ब्रिलियंट डायमंड एक्सेट्रा सब आ रहा था, तब ये थॉट मेरे दिमाग में आया था कि हाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ, पर बाद में मुझे लगा कि ये करना सही नहीं होगा, क्योंकि देखो पोकेमॉन की जो लेटेस्ट गेम है ना उसमें ही तुमको थोड़े बहुत व्यूज़ आ जाएंगे, और एक बार वो लेटेस्ट गेम ख़त्म हो गई तो तुम पुराने रेट्रो गेम्स के साथ व्यूज़ नहीं बटोर पाओगे जितना तुम्हें लगता है कि हाँ भाई इस चैनल को मैं एकदम गेमिंग वाला बना दूंगा पोकेमॉन की पुरानी गेम्स के साथ, तो ऐसा नहीं होता। तो इसलिए ज़ेन ड्रैगो एक्स को मैंने सिर्फ न्यूज़ के लिए रिजर्व किया, तो वहाँ पर भाई मैं सिर्फ न्यूज़ ही देने वाला हूँ, गेम प्लेस तो ये चैनल इसीलिए बना के रखा है, चाहे पुरानी गेम्स हो चाहे नई गेम्स हो, हम यहाँ पर एक मोटिव के साथ आते हैं गेम खेलना, और उसके बाद अगर मैं ज़ेन ड्रैगो एक्स के चैनल पर गेम्स खेलना शुरू कर दूंगा तो न्यूज़ और गेम्स एक साथ मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा एक ही चैनल पर, क्योंकि बाद में ऑडियंस भी एकदम ये हो जाएगी कि भाई चल रहा क्या है, आखिरकार चैनल में करना क्या है एक्सेट्रा। सो भाई इसीलिए मैंने वो अवॉइड किया, वरना मेरे दिमाग में आया था लेजेंड डर्कियस और ब्रिलियंट डायमंड के टाइम, क्योंकि वो दोनों गेम्स एक एक महीने के आसपास ही आ रही थी, तो मैंने तब सोचा था कि हाँ ऐसा कुछ कर सकता हूँ, यानी कि इस चैनल पर ही सारी गेम और
एनिमे न्यूज़ एक साथ ही डालूं, पर बाद में मैंने बोला कि नहीं भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, एंड आई गेस वो एक राइट डिसीजन था, क्योंकि मैंने कुछ यूट्यूबर्स को देखा था जिन्होंने ऐसा किया था, यानी कि अभिवाक ने ऐसा किया था आई गेस, उसने भी अपने चैनल पर गेम प्लेज डाले और वो गेम प्लेज एकदम फ्लॉप हो गए, और बाद में उसकी वजह से उसके नॉर्मल वीडियोज़ भी इफ़ेक्ट होने लगे, विच वॉज क्वाइट बैड, और उसके बाद वो बंदा वीडियोज़ बहुत लेट लेट बना रहा है, तो आई गेस हाँ इसीलिए मैंने जो डिसीजन लिया था गेम प्लेज ना डालने का, दैट वॉज रियली गुड। तो देखते हैं यार, और तुम में से काफ़ी लोग कह रहे हो कि भाई पोकेमॉन यूनाइट खेलो, भाई मैंने बहुत बार बोला, मैं फिर एक बार बोल रहा हूँ, मुझे पोकेमॉन यूनाइट नहीं पसंद, मैं खेलने नहीं वाला, दैट गेम इज़ ट्रैश, एब्सोल्युटली बैड, आई हेट द गेम, आई हेट एवरीथिंग अबाउट पोकेमॉन यूनाइट। अगर तुम्हें खेलना है तो तुम गो हैड खेलो, मज़े करो, अगर तुम्हें गेम प्लेस देखनी है तो बहुत सारे यूट्यूबर्स बना रहे हैं, यानी कि पोकी स्क्वाड है, आपका पोकेमॉन गेमर है, ये लोग उसकी गेम प्ले डालते रहते हैं, तो तुम उनकी गेम प्लेस देख सकते हो। मुझे पसंद नहीं है गेम, मैं उसकी गेम प्लेस भी नहीं देखता, मैं उस गेम को ही नहीं देखता, मुझे उस गेम से दूर ही रहना है, तो भाई आई जस्ट हेट द गेम, यानी कि भाई पोकेमॉन के नाम पर इट्स एब्सोल्यूट हॉट गार्बेज, तो मैं खेलने नहीं वाला, बट दैट्स माई ओपिनियन। इसका ये मतलब नहीं कि मैंने इसको बुरा बोला तो गेम एक्चुअली बुरा है, काफ़ी लोगों को अच्छा लगता होगा, दैट्स देयर ओपिनियन, या मतलब मैं क्या ही बोलूँ। ओके तो हम शायद से एक और बैटल करने वाले हैं, भाई यार कितनी सारी बैटल्स है। ओके अब तक सिर्फ 16 मिनट हो चुके हैं, इस मिनट तक नॉर्मली जो गेम प्लेज मैं बनाता हूँ पोकेमॉन के वो ऑलमोस्ट एंड पर आते हैं, पर ये बस शुरू ही हो रहा है, और मुझे लग रहा है कि अभी और भी ग्रंट्स के साथ हमें मुकाबला करना होगा, या सो इट्स गोइंग टू टेक अ हेल लॉट ऑफ टाइम, बाप रे, बट कोई बात नहीं, हम करेंगे, हम कैसे भी करके करेंगे, हम मुश्किलों का सामना करेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि एश कैचम ने फाइनली पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत लिया, तो हम भी हार्डकोर नज़लॉक का लीग तो कंप्लीट कर ही सकते हैं, यानी कि दैट मच तो वी कैन डू। तो मैंने एपिसोड देखा था वो, एंड दी एपिसोड वॉज फाइन, यानी कि मज़ा आ गया एक तो, और ऊपर से उसकी एनिमेशन क्वालिटी भाई काफ़ी बढ़िया थी, यानी कि एंड पूरी बैटल की एनिमेशन क्वालिटी नॉर्मली थी, और टुवर्ड्स दी एंड यानी कि आखिरी के जो 5-4 मिनट थे वहाँ पर उन्होंने बहुत सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव किया था एनिमेशन क्वालिटी में, वो चार्जार्ड वो पिकाचू एकदम सुपर सैयन बन गया था, कुछ कुछ हो रहा था, बट एंड की एनिमेशन ना बहुत अमेजिंग थी, यानी कि मैं यही सोच रहा था कि अगर तुम बैटल को इतना अच्छा बना सकते हो तो पोकेमॉन जर्नीज में आज तक टोटल कितने बैटल्स हुए थे, अगर सिर्फ तुम बैटल वाले एपिसोड्स में सिर्फ बैटल वाली जो सीन होती है वहाँ पर भी ऐसी एनिमेशन डाल देते भाई तुम्हारा क्या आ जाता। बट यार पोकेमॉन की कंपनी बहुत वियर्ड है एक तो, यानी कि सबसे ज़्यादा यू नो महंगी फ्रेंचाइज है ये, यानी कि अगर तुम इनकी प्रॉफिट्स देखो तो सबसे ज़्यादा रिचेस्ट फ्रेंचाइज पोकेमॉन की है, और सबसे ज़्यादा घटिया काम भी पोकेमॉन ही करती है, चाहे वो गेम्स हो या फिर एनिमे हो, यानी कि गेम्स में भी ये लोग क्वालिटी नाम की चीज़ डालते नहीं है, यानी कि बहुत, अभी तुम सोनी के कंपनी से देखो जो कि प्ले स्टेशन की गेम्स आती है, तो भाई उनकी क्वालिटी देखो और निंटेंडो की क्वालिटी देखो भाई तुम देख सकते हो, और पोकेमॉन की गेम अभी यार ये गोल बैट अभी आ रहा है, मैंने थंडरबोल्ट गोल बैट्स के लिए सिखा कर रखा था और गोल बैट लिटरली अभी आ रहा है, सो देखो यार क्या ही बताऊँ। तो मैं वही कह रहा हूँ कि देखो सोनी और प्ले स्टेशन बहुत अच्छी गेम्स बनाते हैं, पर निंटेंडो ऑन दी अदर हैंड पोकेमॉन के साथ बहुत इनजस्टिस कर रहा है, यानी कि लेजेंड ऑफ जेल्डा की गेम इतनी ज़्यादा ऑसम है और उसमें वॉइस एक्टिंग सब कुछ है, पर पोकेमॉन की गेम्स में आज तक वॉइस एक्टिंग नाम की चीज़ है ही नहीं, पता नहीं क्यों इनको डाल देनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी ना इनकी स्टोरीज और डायलॉग्स बहुत ऐसे बड़े 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 होते हैं, और मतलब प्रॉब्लम तो नहीं है, पर अगर वॉइस एक्टिंग ये लोग डाल देंगे तो मुझे लगता है और मज़ा आएगा, यानी कि भाई यू नो पोकेमॉन खेलने का एक्चुअल मज़ा तुमको आएगा कि वॉइस एक्टर्स को हायर करो, बनाओ यार कुछ तो, क्योंकि डीमन स्लेयर की अभी एक गेम आई थी जिसका ट्रेलर और गेम प्लेज मैंने 2-3 देखे थे, हीरो क्रामी क्रॉनिकल्स आई गेस वही नाम है ऐसा कुछ तो है, तो भाई उस गेम के अंदर वॉइस एक्टिंग कितनी अच्छी है और देखकर कितना मज़ा आ रहा था यार, वो गेम प्लेज में भी बातें करते हैं तो वॉइस एक्टिंग हाईलाइट होती है, तो दैट वाज सो गुड यार, और पर पोकेमॉन की गेम्स ऐसा नहीं करती, सोचो यार अगर लाइसेंडर खुद इंग्लिश में बातें कर रहा होता कि ऐसे कर दूंगा वैसे कर दूंगा एक्सेट्रा एक्सेट्रा तो कितना मज़ा आता, बट नहीं यार इनको नहीं करना। अब मैं देखो पुराने गेम से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, यानी कि ऐसे XY वाले गेम्स में
चलो ठीक है, तुमने वॉइस एक्टिंग नहीं डाल दी क्योंकि मैं समझ सकता हूँ इतनी ग्राफिक्स एक्सेट्रा नहीं होती वो, पर अभी जो तुम लेटेस्ट निंटेंडो स्विच पर बना रहे हो और निंटेंडो स्विच के बाद पता नहीं कौन सा सिस्टम ये लोग अनाउंस कर देंगे उस पर अगर बनाएंगे तो वहाँ तो कम से कम इनको अच्छी वॉइस एक्टिंग प्रोवाइड करनी चाहिए। एंड यहाँ पर एक और लड़की है ऑन योर लोनसम दिस टाइम दैट्स कोल्ड कोलर देन दैट क्रेवन योर पोकेमॉन अरे बोलना क्या चाहती है यार तू ओके अच्छा बैटल करना चाहती है तो बैटल करना बात क्या कर रही है पागल है क्या और हमको अब तक एलिवेटर की मिला ही नहीं है भाई मैं इतने टाइम से यहाँ पर क्या कर रहा हूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा यानी कि कितना क्योंकि 20 मिनट हो गए रिकॉर्डिंग करते करते और मुझे अब तक एलिवेटर की मिला नहीं है ओके भाई दिस इज बैड यार ऐसे 20 मिनट मैंने नॉर्मली ज़िंदगी में कभी इतनी फास्ट फास्ट बातें की नहीं है बट हाँ यहाँ पर एलिवेटर की नाम की चीज़ है किसके पास। ऑलराइट मैं एक्चुअली एक मिनट के लिए खुश हो गया था जब लाइसेंडर सामने चलकर आ गया बैटल ऑफर कर रहा था मैंने बोला भाई टेंशन ख़त्म और कुछ करना नहीं है मेरे ख्याल से बॉस बैटल हो गया और ख़त्म हो गई बट नहीं उनको ये ट्विस्ट देना था कि अभी मैंने बॉस बैटल कर दिया अब तुमको अल्टीमेट वेपन रोकने के लिए पजल सॉल्व करना है। हाँ बट अल्टीमेट वेपन है कहाँ पर ओके ओके विवाइल काफ़ी मार रहा है यार पर अभी एक इससे मर जाएगा मर गया बाय साहब नाइस। लुकारियो काफ़ी अमेजिंग पोकेमॉन है हालांकि हम उसको ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे हैं। ब्लैक कार्ड लेवल 52 का हो चुका है कैनन बोर्ड लेवल 44 का हो चुका है बेली ड्रम सीख रहा है पर बेली ड्रम बेचारे को नहीं सिखा सकते ओके हम इसको रेस्ट सिखा सकते थे बट यार वो बंदी जो है वो हार्ड स्किल मांग रही है और हार्ड स्किल है नहीं मेरे पास। ओह फाइनली एलिवेटर की मिल चुका है अरे बाप रे बाप रे बहुत टाइम बचा दिया यार तूने ओके इतना जुगाड़ इतनी मेहनत करने के बाद अभी एलिवेटर की हमें मिल चुका है मेरे पास रिवाइव्स की है मुझे समझ में नहीं आ रहा रिवाइव्स का काम तो मैं इस गेम प्ले में खास करके यानी कि ये हार्डकोर नज़लॉक के चैलेंज में तो कुछ काम ही नहीं है रिवाइव्स का तो भाई रिवाइव्स है भी क्यों मेरे पास आई डोंट नो। नॉर्मल हार्डकोर नज़लॉक में शायद से एक रूल है तुम शायद से एक पोकेमॉन को रिवाइव दे सकते हो ऐसा कुछ तो है अगर वो मर जाता है बट देखते हैं हमें शायद से अभी तो ज़रूरत नहीं है वो करने की बट लेट्स सी क्या होता है ओके शायद से नहीं है ना ऐसा रूल आई डोंट नो मुझे चेक करना होगा फिर एक बार कि अगर पोकेमॉन फेंट होता है तो शायद से प्लेयर के पास एक शायद से रिवाइव यूज़ करने का ऑप्शन होता है एक बार रिवाइव तुम यूज़ कर सकते हो एक पोकेमॉन पर बट आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर कि वो हार्डकोर नज़लॉक था कि कोई दूसरा चैलेंज था मुझे एक बार यू नो रूल्स फिर एक बार चेक करने होंगे हार्डकोर नज़लॉक के। मेरी बात सुनो लाइसेंडर तुम गलत कर रहे हो ओके यहाँ पर चल रहा क्या है एक काफी लंबे समय की बात है वहां पर एक आदमी था अपने पोकेमॉन के साथ और वो उस पोकेमॉन को काफी प्यार करता था जंग शुरू हो गई उस आदमी ने उसके पोकेमॉन में उस जंग में पार्ट लिया काफी सारे साल बीत चुके थे उस आदमी को एक छोटा सा बक्सा मिला उसे अपना पोकेमॉन फिर एक बार लाना था चाहे कुछ भी हो जाए उसने एक टाइम मशीन बनाई और उसे जिंदगी दी उसने अपने पोकेमॉन को फिर एक बार जिंदा किया उस आदमी ने काफी कुछ खोया था पर उसका गुस्सा अब तक खत्म नहीं हुआ वो इस दुनिया को कभी माफ नहीं कर सकता जिसने उसके पोकेमॉन उसके प्यार को उससे छीन लिया था इसीलिए उसने मशीन को एक अल्टीमेट वेपन में बना दिया उस इंसान ने डिस्ट्रक्शन को बनाकर इस दुनिया के वॉर को खत्म कर दिया उस पोकेमॉन
जिसको उसने जिंदगी दी थी। उसे पता चला कि उसकी जिंदगी के लिए काफी सारे पोकेमॉन्स की जिंदगी उससे ली गई थी। इसीलिए उस पोकेमॉन ने उस आदमी को छोड़ दिया। उसकी को मुझे दे दो। तुम क्या प्लान कर रहे हो लाइसेंडर? ये इंसान 3000 सालों से जिंदा है और उसने अल्टीमेट वेपन को बना दिया था। मेरे साथ चलो। ओके, दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। पता नहीं क्या मुझे कहना चाहिए। इट वाज इमोशनल, इट वाज डिस्ट्रक्टिव, बहुत कुछ था उस कहानी के अंदर। बट अब लाइसेंडर के साथ हमें उसके लैब में जाना है यार। ये खत्म कभी होगा? Okay, so the Pokeballs we received and the Pokemons we've gathered, the only thing left to do is to put the plan in motion. I'm counting on you. Okay, ab kaun sa plan bacha hai yaar? One push of a button and we can activate the ultimate weapon from here. Okay, I believe being a chosen one means you have... Okay, mujhe samajh mein aa gaya. तो मुझे शायद से आप चूज़ करना है कि मुझे डिस्ट्रक्शन करना है कि रुकना है। चलो तो इस मोटे के साथ हमें बैटल करनी होगी, और अगर हमने इसको हरा दिया तो हमारे पास चॉइस है, क्योंकि हम दुनिया को बचा सकते हैं या फिर दुनिया को बर्बाद कर सकते हैं। सो लेट सी। यहाँ पर क्रोबैट। इसके लिए मैंने थंडरबोल्ट सिखा कर रखा था भाई। जिन पोकेमॉन्स के लिए मैंने थंडरबोल्ट सिखाया था वो लिटरली पूरे कितने अभी 26 मिनट्स के अंदर सिर्फ दो बार मुझे दिखाई दिए, दैट बीइंग क्रोबैट एंड गोल्डबैट। और एक गैरेडॉस के लिए हमने यूज़ किया था, वो सरप्राइजिंग था। गैरेडॉस के लिए मैंने सोचा नहीं मुझे यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी, बट हाँ कर दिया। एंड मैलमार यहाँ पर आ चुका है। ओके, मैलमार के लिए मेरे पास कुछ है नहीं यार वैसे, बट हम डिग करेंगे। और इससे सूप कुछ तो किया था मैंने डॉच कर लिया और डिग इसे कुकी डिडंट डू अ लॉट। ओह साइको कट। ओ भाई शिट पोकेमॉन बदलना होगा। किसको भेजूँ? पर मैं सिल्वर को बेच सकता हूँ, सास्के को बेच सकता हूँ यार, पर मैलमार साइकिक और गोस्ट की साइकिक और डार्क है, या फिर कुछ गोस्ट और डार्क है, या फिर साइकिक और गोस्ट। शिट यार मैं नहीं जानता, पर इतना मुझे पता है कि उसकी एबिलिटी बहुत खतरनाक है। यानी कि अगर वो कुछ ऐसा मूव कर दे जो जिससे एक्चुअली स्टैट्स गिरती है तो रिवर्स हो जाता है, उसकी स्टैट एक्चुअली बढ़ जाती है। यानी कि अगर वो फॉर एग्ज़ाम्पल ब्लास्ट बर्न जैसा कुछ मूव करेगा, ओवर हीट जैसा मूव करेगा जिससे पोकेमॉन की स्पेशल अटैक गिरनी चाहिए, मैलमार की स्पेशल अटैक बढ़ जाएगी। ओके दैट डिड अ लॉट ऑफ डैमेज। मेगा एवोल्यूशन करके ऑरा स्पीयर मार देता हूँ। आई गेस कि डार्क टाइप का है, मुझे फीलिंग आ रही है, साइकिक टाइप का नहीं है, डार्क टाइप का है। तो भाई ऑरा स्पीयर भाई मर जा प्लीज़। मर गया। नाइस फाइनली मर गया। मर गया। मोटे को हमने हरा दिया। ऑल राइट फाइनली वी हैव डन दिस। हश, मज़ा आ गया है। वंडरफुल, अमेजिंग, तुम्हारे पास काफ़ी अच्छे स्किल्स हैं। पर मैं तुम्हें कुछ इंटरेस्टिंग बताना चाहता हूँ। ये सब 3000 साल पहले शुरू हुआ था जब अल्टीमेट वेपन को अपने काम के लिए बुलाया गया था, जिसने वॉर को एक चुटकी में ख़त्म कर दिया था। अब तुम्हारे पर है सब कुछ। मेरे पास एक रेड बटन है और ब्लू बटन है। रेड बटन से अल्टीमेट वेपन अनलीश होगा और ब्लू बटन से सब रुक जाएगा। जाकर दबा दो जो दबाना है। तो मैं दबाऊंगा रेड बटन, क्योंकि मुझे दुनिया को बर्न होते हुए देखना है। तुमने इसे दबा दिया। ओ नो, पर कोई बात नहीं, तुम अगर ब्लू बटन दबा देते तब भी यही एक्टिवेट हो जाता, क्योंकि मैंने तुम्हें बेवकूफ़ बनाया। और अल्टीमेट वेपन चाहे तुम कोई भी बटन दबा दो वो तो वैसे भी अनलीश होना था। मॉनिटर में देखो। ऑलराइट, हमने कुछ बहुत ही ज़्यादा बुरा कर दिया गाइस। ओ भाई डैम ब्रो। ओके तो यहाँ पर मेरी टेक्निकली गलती नहीं थी, यानी कि मैंने रेड बटन भले ही दबा दिया हो पर टीम फ्लेयर ने बोला
अगर मैं ब्लू बटन दबा देता तो भी ऐसा ही होता। तो भैया अरे बाप रे। ओके तो अब क्या? Did you see the ultimate weapon is reborn? The poisonous flower has bloomed. Okay, all shall perish except the team fair. Look at Giosne, the boss. Okay. So we are technically fucked. Okay, तो भाई अभी मेरे को जाना है. Okay, ये पूरी मिस्ट्री को फिर से सॉल्व कर दी है भाई. अभी अल्टीमेट वेपन को एक्चुअली रोकना है, यानी कि हम यहाँ पर 30 मिनट से पता नहीं क्या कर रहे थे. हम अल्टीमेट वेपन को रोकने आए थे और अल्टीमेट वेपन फिर भी अनलीश हुआ. भाई अगर तुमको अनलीश करना था तो मेरा टाइम 30 मिनट से वेस्ट क्यों किया इस गेम में? आई डोंट नो यार, पोकेमॉन की गेम्स काफ़ी वियर्ड होती है. भाई नर्स जॉय कहाँ पर है यार? नर्स जॉय को देखना है मुझे. ए नर्स जॉय किधर हो भाई? किधर है नर्स जॉय? नहीं यहाँ पर नहीं, पीछे ही है. ओके लेट मी सी अगेन. भाई नर्स जॉय किधर है? भाई पोकेमॉन सेंटर किधर है? यही कहीं तो था, मुझे पता तो है. ओके लाइसेंडर कैफे, यहाँ से वो देखो वहाँ पर है. मैं वही कंफ्यूज हो रहा था भाई, नर्स जॉय किधर गए? नर्स जॉय कैसी हो? देखो मैंने एक गलती कर दी शायद से, मुझे इस पॉइजनस प्लांट को रोकना था पर वो मेरी वजह से शायद से बाहर निकल गया. पर मैं तुमसे बाद में बात करूंगा. तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और पोकेमॉन गेम्स के लिए, क्योंकि स्कारलेट एंड वॉयलेट भी बहुत ही जल्दी आएगी. तब तक के लिए बस बाय टाटा नमस्कार एंड कीप वॉचिंग Z905.